भोर भइल में टल अंधियारा कोयल कुहू के पूर्व दिशा से निकलल लाली फैल गइल मुस्का दरबार की जय। वाह
तुम्हारे दरबार जय हो जय हो, बिल्कुल साचा भाई दरबार भैया। और सबेरे सबेरे के बेला पे पार्टनर तो एकदम मिजाज बना दे लू, माई के इतना बढ़िया गीत गा देलू और माई की पूजा अर्चना भी कह के हमारा साथ भी निभा देलू। बात तो बिल्कुल सही कहला पार्टनर, तहरा के बहुत बहुत धन्यवाद जोन तू हमारा साथ देला, इतना बढ़िया से पूजा पाठ कहला, देखत रहनी एकदम श्रद्धा में लीन रहला है। अरे हमार मन हमेशा साफ रहला, एकदम सुथरा रहला, ताकि माई के भक्ति में हमरा अंदर से कोनो कमी न आवे, एकदम लीन हो के वहाँ के पूजा पाठ अर्चना करी। वैसे भी समय समय देखते बाड़ू हर तरफ खाली माई गूंज रहल बाटे। बिल्कुल सही बात, हमार दर्शन लोग होते भी नहीं है, सगरो काम छोड़ के भाई पूजा पाठ भी हमके पता बोलो कैले ना बाटे। खाली भैल बिहान के इंतजार में बा, आखिर स्पेशल एपिसोड जो चल रहा है नवरात्रि के। बिल्कुल सही बात बा, और आज है चतुर्थी, तो आज चतुर्थी के दिन माई कुष्मांडा के नाम लेके प्रोग्राम के आगाज करा। एकदम आगाज करा भैया, तो हम बता दी आज माई कुष्मांडा के दिन बाटे, चतुर्थी के दिन बाटे, और जेकरा के कृपा से हर दिशा में तेज बा प्रकाश बाटे, दसों दिशा एकदम प्रकाशवान बाटे, तो ओ कुष्मांडा माई के नाम लेके जयकारा बोल के अपन ओ कार्यक्रम के रउआ सेवा में लेके हाजिर बानी, जेकर दीवाना बा पूरा जहान, पूरा भोजपुरिया जहान। आई हम स्वागत करते हैं ओ खास प्रोग्राम में जेकरा के लेके आयल बाटे महुआ प्लस, और जेकर नाम बाटे भैल बिहान। और भैल बिहान के लेके हम हाजिर बानी राव और दोस्त यानी जितेंद्र सिंह अंशु, और हम बानी संजोली। रउआ सबके चतुर्थी के माई कुष्मांडा के खास दिन पे रउआ सबके बहुत बहुत बधाई देता नी, शुभकामना देता नी। शुभकामना के साथ साथ भैया हम बता दी कि जैसन की चतुर्थी बाटे और माई अपना हर भक्त पे उतने कृपा करेले जितना भक्त माई पे प्यार लुटावेला, माई के माई खान मानेला। बिल्कुल सही बात कहे कि माई कुष्मांडा ही इस ब्रह्मांड के रचना कैले बानी, और सोची जब ये ब्रह्मांड के रचे वाली माई के आज दिन बटे, तक उनका भक्ति में कोनो कमी कोई ठीक बात होई? एकदम कमी करे के कोनो जरूरत नहीं की, और साथे साथे इस प्रोग्राम में भी कोनो कमी न होई, और यही से उत्तम विचार बतावे के बारे जरूर बताए भैया। और आज के प्रोग्राम की हमने के जो खास उत्तम विचार बार रउआ लोग बदे वो ये बा की प्रकृति अपरिमित ज्ञान का भंडार है, और इसका लाभ वही उठाता है जिसके पास अनुभव होता है। बिल्कुल सही बात कहला, कहे कि माई कुष्मांडा की बनावल ई ब्रह्मांड ई प्रकृति ज्ञान के अद्भुत भंडार बा, लेकिन उ ज्ञान के बिल्कुल उहे लाभ उठा पावेला जेके अनुभव होखेला, और उ अनुभव भैया मेहनत से, परिश्रम से, प्रयत्न से, हर तरह से, मिदम तन मन से लग के आवेला। समझता नहीं ना? हर केहू समझता, और तू समझला कि परिश्रम हमेशा करे के चाहिए, और साथे साथे प्रकृति के समझे के कोशिश करे के चाहिए। एकदम अब एकदम समझ गए हमारे भैया लोग, तो चलिए यही बात पे देखिए आज के प्रोग्राम की एगो खास झलक। सृष्टि में जब कुछ ना रहे, चारों तरफ अंधकार रहे, खाली सूर्य भगवान प्रकाशित रहे, तो देवी माता के शक्ति से ब्रह्मांड के रचना भइल, सृष्टि के रचना भइल, यही से उनका नाम कुष्मांडा कहा जाला। मेरी माँ जैसी तेरी सूरत है, तू भी ममता की मूरत है। मेरी माँ जैसी तेरी सूरत है, तू भी ममता की मूरत है। तू चल मेरे संग घर मैया, तू चल मेरे संग घर मैया, मुझे पल पल तेरी जरूरत है। मेरी माँ जैसी तेरी सूरत है, तू भी ममता की मूरत है। ये माँ का ही तो आशीर्वाद है कि उसका गुणगान करके आज हम जैसे न जाने कितने कलाकार आज इतने प्रतिष्ठित हैं, और इस स्थान पर आप लोगों का मान सम्मान पाते हैं। जिस दिन से किए दर्शन तेरे माँ गए अच्छे दिन मेरे, मुझे इतना दिया के छोटी पड़ गई झोली माँ, मुझे इतना दिया के छोटी पड़ गई झोली माँ। अब रोज दिवाली रोज मेरे घर होली माँ, रोज दिवाली रोज मेरे घर होली माँ, रोज दिवाली रोज मेरे घर होली माँ। जिसन की कहानी की जोने दिन से दर्शन कहनी वही दिन से भाग खुल गई, तो जे जे ये भजन भी सुनल ओहो के भाग खुल गई। जब जग से मेरी विदाई हो, मेरे पास वैष्णो माई हो, जब अंतिम ज्योति जगाई हो, इस बात की भी सुनवाई हो,
मुझे दुर्गा मुझे दुर्गा कवच का पाठ किसी कंजक से तुम सुनवा देना। हाँ वैसे अंशु देखा जोन एपिसोड की शुरुआत रहा इतना बढ़िया गीत से हो गए भजन से हो गए उत्तम विचार भी हो गए तो अगर एक छोटा सा ब्रेक हो जाए तो कैसे बात रही ला। नेकी और पूछ तू करे लू चला तब तुहार बात मानता नहीं और दर्शक लोग रोवा सब भी इजाजत दी एगो छोटा सा ब्रेक के कहीं जाई ना देखत रही महुआ प्लस यही खास प्रोग्राम में जेकर नाम है भईल बिहान। भईल बिहान ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा रोवा सब के यही खास प्रोग्राम में जेके लेके हाजिर बा महुआ प्लस यानी की जेकर नाम है भईल बिहान। दर्शकगण भईल बिहान की एगो अलग अंदाज बा एगो अलग स्वरूप बटे और एगो प्रस्तुति के अलग हिसाब किताब बा जे कि आप लोग इतना प्यार करे ली कि आज ये महुआ प्लस की जो प्रस्तुति बटे खास करके नवरात्रि स्पेशल लेके आप लोग एकदम ऊंचाई पे पहुंचा देले बानी। और भैया आज जो हमने के कुछ स्पेशल बंदोबस्त कैले बानी आप लोग के दिन के स्पेशल बनावे खातिर बढ़िया बनावे खातिर विशेष बनावे खातिर लेकिन ओके हम बाद में बताई फिलहाल हम आपकी बता दी और पार्टनर थोरो की बता दी कि चतुर्थी के दिन बाटे और चतुर्थी के दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करे के दिन बाटे। लेकिन एक बात हम और बता दी हर कोई जंतु बा शायद तुहों के पता होगी कि माई के निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर बाटे। बिल्कुल सही बात कहला ई हमके का हर केहू के पता बा कि उस सूर्य मंडल में रहे के क्षमता खाली माई कुष्मांडा के बा और केहू के ना। और माँ दुर्गा की माँ शेरा वाली के दिव्य स्वरूप के जे भी दिल से पूजा अर्चना करेला ओकर हर रोग हर दुख अपने आप नष्ट हो जाला अपने आप दूर चल जाला। बिल्कुल और इतना ही ना माई अपना भक्त के यश वैभव और आयु के बढ़ावे ली। और ओ माई के पूजा अर्चना कैला के बाद भैया हमेशा से हर कोई सुखी रहला एकदम जीवन बड़ी मस्ती के साथ बितावे। वैसे अंशु तहरा के एगो बात बता दे शायद तहरा के पता भी होके और दर्शक लोगन के भी लेकिन जिक्र कराता रहे कि माई की का चढ़ावे के चाहिए कुमड़ा चढ़ावे के चाहिए काहे कि माई के कुमड़ा बहुत प्रिय बा। सच बात बा भैया माई के कुमड़ा इतना ज्यादा पसंद बा कि माई के चढ़ाई कुछ मांडा माई के चढ़ाई तो माई बड़ी जल्दी खुश हो जाले और हर मनोकामना के पूरा कर देवे ले। वैसे एक बात और अगर और कुछ भी जानकारी लेवे के बाद तो आगे बढ़े के पड़े एकदम हम बढ़ा और चलिए भैया आपो के मिलावत नहीं स्वामी जी से और विस्तार से वहाँ के बताए की पूजा पाठ की का विधि विधान बाटे माँ कुष्मांडा की चल जा आगे बढ़ जा महामंडलेश्वर श्री उमा कानन सरस्वती जी से और जान जाए बारे में आई देखा जाओ। आज नवरात्रि के चौथा दिन है। आज के दिन दुर्गा मैया के देवी मैया के कुष्मांडा रूप के ध्यान कईल जाला। सृष्टि में जब कुछ ना रहे चारों तरफ अंधकार रहे खाली सूर्य भगवान प्रकाशित रहे तो देवी माता के शक्ति से ब्रह्मांड के रचना भइल सृष्टि के रचना भइल यही से उनका नाम कुष्मांडा कहल जाला। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरालुप्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यं कुष्मांडा सुवदास्तु मे। देवी कुष्मांडा देवी के नाम से व्याख्यात वाणी इनके हाथ में कमंडल धनुष्बाण कमल पुष्प अमृत पूर्ण कलश चक्र गदा ये सब विराजमान बा कुष्मांडा देवी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दात्री हई। नवरात्रि में कुष्मांडा देवी के उपासना कैला से पवित्रता साधक के अंदर आवेला समस्त रोग दूर हो जाला आयु यश और बल के वृद्धि होला। जे भी सच्चे मन से माँ के ये रूप की आराधना करी उकरा जीवन के सब संकट कष्ट अवश्य दूर हो। वाह 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 स्वामी जी के बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बढ़िया जानकारी हमने के साथ साथ दर्शक लोगन के भी देनी। वाह 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 पार्टनर हमारे दर्शन श्रोता की अंशु कहने आज बड़ी धूमधड़ाका हुई बहुत बढ़िया आज एकदम मजा आवे वाला बाटे आज के प्रोग्राम में। हम कहले बानी तो भैया एकदम सही कहले बानी तनिको हम झूठ तो आप लोग से झूठ सवाल नहीं पैदा होला कि हम बोले सच बोला ले तू तब
तो उसे तो बोलू सके नहीं झूठ, लेकिन दर्शक लोग से तो कब हम जीवन में ना बोल सके नहीं। तो हमें से बोलवे कर चाल यो लेखन बात तब तोरा से बोल लेखा लड़ो मत, आज माई के पूजा पाठ के दिन बाटे हम ना बता तारा से लड़े के लड़ो मत छुपा जा भैया, होई ब्रेक के बाद धूम धड़ाका, लेकिन फिलहाल एगो ब्रेक के वक्त बा एकदम मूड फ्रेश खाली ताजा हो जाए माई के नाम लेके ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होकल जाए अपन ही प्रोग्राम के साथ ही जेकर हर कोई दीवाना बा जेकर नाम बाटे भैल भैल बिहान। स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी, वंदन करतानी एक बार फिर से यही खास प्रोग्राम में जेके लेके हाजिर बा महुआ प्लस यानी कि जेकर नाम बाटे भैल बिहान। पार्टनर देखा ब्रेक समाप्त हो गए और हर कोई वही इंतजार में बाकी आखिर का धूम धड़ाका होके वाला बाकी। बाकी सच्चाई के जो तुम मूर्त बड़ा तनी आगे बढ़ा बतावा का सच रहा। आज तक खाली माई के मूर्ति के बात करो, सच्चाई के मूर्त बाद में बताइए हमरा के कुल बाद हो सकेला। अच्छा, लेकिन माई के आज हमनी के पूजा पाठ एकदम विशेष रूप से कल जाये। आज हम ऐसा मेहमान के बोले बानी के में अपना खास और अद्भुत सेगमेंट में जेकर दीवाना पूरा जहान बाटे, पूरा भोजपुरिया जहान बाटे। बिना देर के लिए उस सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ता नहीं जेकर नाम बाटे सुर गंगा। और भैया आज जिस सुर गंगा में अपना सुर के गंगा में हर कोई के गोता लगवावे वाला बानी, वहाँ के एगो बड़ा ही प्रसिद्ध नाम बाटे। नाम पे अब सरप्राइज हटाओ, अब जरूरी बात सरप्राइज हटावे के बाद लेकिन ये बता दे कि भजन के सबसे बढ़िया और बड़ गायक बने। भैया हम इतने बता दी कि वहाँ के जब गावे एकदम दिल से हर आदमी खुद ब खुद वहाँ से एकदम जुड़ जाला, कनेक्ट हो जाला। आई आपो के हम जुड़ा तानी, हमनो के जुड़ल जाए, माई से भी कनेक्शन हुई और सब जने मिल के माई के नाम लेके वहाँ के साथ गुनगुनावल जाए, गावल जाए, झूमल जाए। तो उबानी कुमार विशु जी। मेरी माँ जैसी तेरी ही सूरत है, तू भी ममता के मूरत है। जैसी तेरी सूरत है, तू भी ममता की मूरत है। मेरी माँ जैसी तेरी सूरत है, तू भी ममता की मूरत है। तू चल मेरे संग घर मैया, तू चल मेरे संग घर मैया, मुझे पल पल तेरी जरूरत है। मेरी माँ जैसी तेरी सूरत है, तू भी ममता की मूरत है। चल की छाँव में मेरा स्वर्ग है तेरे पाँव में, रख ले आ चल की छाँव में मेरा स्वर्ग है तेरे पाँव में। मैं भी तेरी जोत हूँ जगदाती, मैं भी तेरी जोत हूँ जगदाती, कहीं बुझ ना जाऊं हवाओं में। तेरे प्यार पे हक है मेरा भी, मुझको भी तेरी जरूरत है। तेरे प्यार पे हक है मेरा भी, मुझको भी तेरी जरूरत है। तू चल मेरे संग घर मैया, तू चल मेरे संग घर मैया, मुझे पल पल तेरी जरूरत है। मेरी माँ जैसी तेरी सूरत है, तू भी ममता की मूरत है।
देवता का मंदिर सुना है, माँ तेरे बिना घर सुना है, ममता का मंदिर सुना है, माँ तेरे बिना घर सुना है, बिन माँ के जीवन बच्चों का, बिन माँ के जीवन बच्चों का, जीवन तो है पर सुना है, हम फिर से रहेंगे संग मैया, हम फिर से रहेंगे संग मैया, शुभवाज का बड़ा मुहूर्त है, शुभवाज का बड़ा मुहूर्त है, तू चल मेरे संग घर मैया, तू चल मेरे संग घर मैया, मुझे पल पल तेरी जरूरत है, मेरी माँ जैसी तेरी सूरत है, तू भी ममता की मूरत है, मेरी माँ जैसी तेरी सूरत है, तू भी ममता की मूरत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, जितना तारीफ करी उतना कम बा। तारीफ अब ओकर कोइल जाला जे मतलब कबो कबो करेला जे बार बार ओसने कोई तो कितना तारीफ कर ले, बिल्कुल सही बात, तारीफ हो रहा जाता एकदम, तारीफ हो रहा गेल बा। और राव हम बहुत बहुत स्वागत करतानी आज एजा आयल वानी, सबसे पहले नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई देतानी राव, घर में माई के आगमन होके आज रुआ एजा आयल वानी तो कैसे लागता है खास दिन पे। सबसे पहले तो संजोली अंशु आपको भी नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहिल बिहान के सभी दर्शकों को, महुआ प्लस के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे हमेशा इस चैनल पर इस कार्यक्रम में आकर आप लोगों के साथ बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। क्या बात है, क्या बात है, सबसे बड़ बात हमरा खातिर बाटे कि आप जब आवे नहीं तो हमरा मन में अयला से पहले गुस्सा रहला कि आज कुमार विशु जी है, कुमार विशु जी है, और कुछ अलग सुने के मिले और बढ़िया बढ़िया बात जाने के मिले। वैसे भी दर्शकगण आपके हम बता दें कि नवरात्रि के बेला चलता है स्पेशल एपिसोड, रोज देखा था नहीं आप लोग, और आज स्पेशल एपिसोड में हमने के अतिथि बने देखते बने कुमार विशु जी, और स्पेशली भजन गावे के ही विधा में यहाँ के बहुत बड़ महारत हासिल बाटे, आप लोग यहाँ के वही रूप में जाने नहीं, और आज हमने के आमंत्रित के लिए बने तब सीधे चले यहाँ के पास। और हमारा पहला सवाल आपसे यह रहे भैया कि आप देखे कि बाकी अमूमन हर तरह के गीत गावे नहीं, खासकर भजन तो आप गईबे करेंगे, लेकिन जब नवरात्रि से पहले कहीं भजन होला, जगराता होला, और नवरात्रि में भी जब जगराता होला, तो दोनों में क्या अंतर महसूस होला? मन की भावना का और आपकी सोच का अंतर होता है केवल, अन्यथा जब माँ हृदय में विराजती है जी, तो भक्ति में कहीं भी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती, चाहे वो साल के अन्य दिन हो, अन्य माह हो जी, या जी। फिर नवरात्र पर्व हो। हाँ, नवरात्र पर्व पर विशेष ये होता है कि उन 9 दिन हम केवल और केवल माँ की भक्ति के रंग में ही रंगे होते हैं, चारों तरफ वातावरण ही माँ की भक्ति का होता है। कुछ और सुनाइए ना देवेला, कुछ और दिखाइए ना देवेला, जहाँ ताकत है माई, जहाँ बोलत है माई, जहाँ सुनत है माई। इसे बहुत बढ़िया लागल, भजन भी अच्छा लागल। पार्टनर देखा, आज हमने के मेहमान बहुत स्पेशल बानी, हाँ। मेहमान नवाजी बहुत जरूरी बाटे, बिल्कुल सही बात कहला पार्टनर, कहे कि स्पेशल गेस्ट बानी तो स्पेशल खातिरदारी भी होके के चाहिए। दर्शक घबराइला की और चिंता कहला की कोनो बात नहीं, कि हम एगो ब्रेक के खाली बात करत नहीं, ब्रेक के उपार फिर से लेके आपके शो में हाजिर होकर यही खास प्रोग्राम में जेकर नाम बाटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रउआ सब के स्वागत करातानी, अभिनंदन करातानी, आई जे रउआ सब जुड़ गेल बानी महुआ प्लस से वही खास प्रोग्राम में जेकर नाम है भईल बिहान। और हमनी के साथ हमनी के भईल बिहान के अंगना के अतिथि बानी बहुत ही प्रसिद्ध गायक, लोक प्रसिद्ध गायक कुमार विशु जी, वहाँ के पास चलो अभिनंदन एक बार पुनः करब। और विशु जी, हम आपसे एक बात और पूछे चाहब कि नवरात्रि के जब समय होला, जब पर्व होला, जब 9 दिन पूजा पाठ माई के आगमन पे होला, लोग तरह तरह की युक्ति अपनावे ने माई के पूजा करे के, माई के दर्शन करे के, अर्चना करे के, कोने प्रकार से माई के खुश कइल जा, आपकी का प्रक्रिया होला, आप ये 9 दिन में का का करेले? 9 दिन में भक्त जन अपने अपने तरीकों से, अपने अपने भाव भक्ति से माँ को मनाते हैं, रिझाते हैं, लेकिन मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा कि माँ कभी आपकी भक्ति की, आपकी पूजा की भूखी नहीं, बिल्कुल
एक माँ वो है जो जगत जननी है, और एक माँ जो हमारे घर में है, जो हमारी जननी है। कहती है वैष्णो माँ, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पहले उसकी पूजा कर फिर मेरा ध्यान लगा। कहती है वैष्णो वो सच्चे दरबार की जय। क्या बात है। रवा से मेरे को बात जाने के चाह, पिछला बारी आयल रहनी तो रवा बतानी कि राउर घर में भी दूगो कन्या वानी और माई के रूप ही बानी, तो ये 9 दिन में कन्या भी जिमावल जाला लास्ट दिन, तो राउर घर में का प्रक्रिया बा और राउर एकर का महत्व समझेनी? हमारे धर्म में, हमारे संस्कारों में हमें बताया गया है कि अष्टमी नवमी पर हम माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, तो कहीं अष्टमी कहीं नवमी पर पूजन होता है। हमारे घर में नवमी पर हम पूजन करते हैं माँ का, और बड़ी श्रद्धा भक्ति से और ऐसा संगीतमय वातावरण बनाकर माँ के भजनों के साथ अगर मैं घर पर रहता हूँ और अगर किसी कार्यक्रम में हूँ तो निश्चित रूप से मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे विधि विधान से उसका पूजा करते हैं। क्या बात है। आप कार्यक्रम की बात करें, हम एक चर्चा करे वाला ने कि विशु जी ये जो समय होला नवरात्रि के, कलाकार लोग खातिर बड़ा तनी कठिन होला, काहे कि ये दौरान काफी व्यस्त लोग रहेला, कबो यहाँ प्रोग्राम, कबो वहाँ जगराता, कहीं और जागरण, हर जगह फंक्शन अटेंड कैला, घर पे पूजा पाठ भी चलेला। बिल्कुल, देखिए कैसे सब मैनेज होला। कितना सुंदर माँ ने, मैं कहूँगा एक वरदान दिया है कलाकारों को, कि माँ की भक्ति भी होती है कलाकारों के लिए, और भक्ति के साथ साथ उनके जीवन यापन के लिए चंद पैसे भी उनके घर में आते हैं, और ये माँ का ही तो आशीर्वाद है कि उसका गुणगान करके आज हम जैसे न जाने कितने कलाकार आज इतने प्रतिष्ठित हैं और इस स्थान पर आप लोगों का मान सम्मान पाते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। देखा अंशु, बहुत बातचीत हो गई, अब मन करा था एगो बढ़िया गीत सुने के। नेकी औरी पूछ। अरे तो देर को ना बात की सुनाई, रो का सुनाई। का गाई बाप। एक सरकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाती है, हमारी अर्थव्यवस्था को देखती है, और एक सरकार मेरी सच्चियां जोता वाली माँ की है। और कहते हैं उस सरकार में कभी भी बुरे दिन किसी के नहीं आ सकते, क्योंकि माँ कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती। बिल्कुल। ऐसे ही भाव लिए हुए एक मैं भेंट आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। जय हो। कि जिस दिन से किए दर्शन तेरे, माँ आ गए अच्छे दिन मेरे। क्या बात है, सुनाई। किए दर्शन तेरे, माँ आ गए अच्छे दिन मेरे। जिस दिन से किए दर्शन तेरे, माँ आ गए अच्छे दिन मेरे। मुझे इतना दिया के छोटी पड़ गई झोली माँ, मुझे इतना दिया के छोटी पड़ गई झोली माँ। अब रोज दिवाली, रोज दिवाली, रोज मेरे घर होली माँ। रोज दिवाली, रोज मेरे घर होली माँ। रोज दिवाली, रोज मेरे घर होली माँ। देखा मैंने मत्था जब टेका तूने, बदली नसीबों की लकीर माँ। ओ आज है जागीरे, कल कन पे थी रे, मुझे कहती थी दुनिया फकीर माँ। जंग लगी किस्मत की कुंडी खोली माँ, तुन जंग लगी किस्मत की कुंडी खोली माँ। अब रोज दिवाली, रोज मेरे घर होली माँ। रोज दिवाली, रोज मेरे घर होली माँ। रोज दिवाली, रोज मेरे घर होली माँ। We'll be right back.
किया जब भी याद तूने सुनी फरियाद दी है मुझे हर मुराद तूने प्यार से तेरा धन्यवाद तूने किया है आबाद मुझे ममता से और दुलार से लाई सौ खुशियां मेरे घर गंजकों की टोली माँ लाई सौ खुशियां मेरे घर गंजकों की टोली माँ अब रोज दिवाली रोज दिवाली रोज मेरे घर होली माँ रोज दिवाली रोज मेरे घर होली माँ रोज दिवाली रोज मेरे घर होली माँ जिस दिन से किए दर्शन तेरे आ गए अच्छे दिन मेरे दिन से किए दर्शन तेरे आ गए अच्छे दिन मेरे मुझे इतना दिया के छोटी पड़ गई झोली माँ मुझे इतना दिया के छोटी पड़ गई झोली माँ अब रोज दिवाली रोज मेरे घर होली माँ 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 अब रोज दिवाली रोज मेरे घर होली माँ क्या बात है वाह 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 बाहर दरबार एकदम का बात बार जिसन की कहानी की जोने दिन से दर्शन कहनी वही दिन से भाग खुल गई तो जे ई भजन भी सुनल ओहो के भाग खुल गई भैया और अगर भाग नहीं खुलल बात जाई थोड़े देर हमें को समय दे देता नहीं आपके समय सीमा भाई को ब्रेक ले लेते नहीं माई के पूजा अर्चना कर ली और भाग के फिर से ताला खोल के आई हम ब्रेक की बात लेके फिर से आपके सेवा में हाजिर होता नहीं कुमार विशु जी के साथ अपन खास पेशकश स्पेशल एपिसोड के खास प्रोग्राम जेकर हर कोई दीवाना बा जेकर नाम बाटे तो दर्शक लोग ब्रेक के बाद एक बार फिर से रहुआ सबके हम स्वागत करतानी अभिनंदन करतानी वंदन करतानी यही खास प्रोग्राम में जेकर नाम है भाईल और हमनी के साथ हमनी के भल बिहान के आंगन के आज शोभा बढ़ा रहल बानी कुमार विशु जी और वहाँ के पास सीधे चला और भैया समय ई जोन चलता ए समय देखे के मिलेला कि हर जगह कहीं पंडाल बाटे कहीं माई के मूर्ति रखावल बा मंदिर में एकदम जगमग जगमग दिया जलता माई के जह देखी तह जय जयकार बाटे भक्ति में चारों तरफ एकदम सब लीन बाटे और कुछ और सुझात ना बाटे लेकिन हम एगो बात और जाने चाहब कि अक्सर देखे के मिलेला कि लोग के ऊपर जब कोनो संकट आवेला सौ गो सुख के बाद एगो छोटवरे दुखा चाहे बड़वरे दुखा जाता तो सीधे लोग दोष दे देला माई के ऊपर वाले के कि कहाँ तक सही बाटे बहुत सुंदर प्रश्न किया अंशु तुमने ये मानव जीवन और मानव की प्रवृत्ति है तो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू हर अच्छी चीज के लिए आप कहते हैं सब ऊपर वाले का किया और जरा सा जीवन में कष्ट आ जाए तो सीधा सीधा उस परम पिता को उस माँ को दोषी ठहरा बिल्कुल ये कितना जायज है जब से मैंने भजन गाने शुरू किए तब से एक प्रण किया था कि जब भी भजन संध्याएं करूंगा तो अपने भजनों के माध्यम से एक संदेश अवश्य पहुंचना चाहिए जनमानस तक क्योंकि सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य का संग बिल्कुल अगर हम केवल अपने आनंद के लिए सत्संग करें और नवरात्रि के नौ दिन केवल नाच गाकर ही उसको समापन करें उसका तो क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा हाँ एक ऐसा ही भाव लिए हुए भजन में बहुत ही सुंदर भाव है भजन के भक्त कहता है कि माँ ये हाड़ मास का पुतला जैसे इस मानव जीवन में आया है वैसे ही चला जाएगा तो क्यों ना मेरे मरने के बाद इसका सदुपयोग हो जाए बहुत सुंदर शब्द वाह वाह भाई वाह आप इतना बढ़िया बढ़िया गीत गा रहल बानी इतना सुंदर गीत सुनोनी आप हर बेरी आवेली तो कोनो ना कोनो नया एल्बम राउर मार्केट में जरूर होकेला ये गीत के हम पहलका बेरी सुनिए तो ये बताएं कि ये गीत के लिखल बा और राउर नया एल्बम आइल बा का बिल्कुल सही संजोली और अंशु मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं इस नवरात्र पर जो मेरा नया MP3 रिलीज हुआ है उसका टाइटल है माँ वैष्णो दर्शन जो मेरी स्वयं की कंपनी KVC म्यूजिक से रिलीज हुआ है इसमें तीन एल्बम्स का संकलन है वसीयत वैष्णो नाम की माँ वैष्णो दर्शन और मैया ने बुलाया है इतने सुंदर शब्द जो मुझे भेंट स्वरूप मिले हैं उस लेखक को उन संगीतकारों को मैं नमन करता हूँ
श्री रवि चोपड़ा जी, राजीव अजनबी जी और अशोक दास जी ने इन भजनों को लिखा है। श्री जीतू गाबा जी, दिनेश जी, इन लोगों ने संगीत दिया है। रतन प्रसन्ना जी, मैं हृदय से आभारी हूँ उन लोगों का, कि स्वर तभी सजता है जब सभी का योगदान है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। राउर जोन ई एल्बम बा एकदम हम जाना तानी ई नवरात्रि में खूब चली, एकदम हिट हुई। जरूर जरूर, और वो एल्बम चल भी रहा है, कोनो कहे की बात नहीं की, आखिर गावल के द्वारा बाटे। लेकिन फिलहाल अभी गीत के सुनल जाए पार्टनर, दर्शक लोग अपन प्यार दुलार में एगो ईमेल भेज दे लेबा। तो आज तू पढ़ के सुना दा। चलो अब जब तर कोई देता अड़ो से भी नौरात तो चलता। कन्या तो देवी के रूप होली, अब देवी के कुछ कॉल तो ठीक होला ना। एकदम सही बात। लाओ ईमेल पढ़ के सुना देता नी। आज के ईमेल बाटे सतीश जी के, और यहाँ के लिखा तानी की सुबह की सबसे बेहतर शुरुआत देवेला ई सबसे बेहतरीन प्रोग्राम बा, और यही से हम ई प्रोग्राम के बहुत चाव से देखे नी और आगे भी देखत रह। ई हमरा रउआ सभी से वादा बा, प्रणाम। वाह भाई वाह सतीश जी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रउआ ऐसे ही प्यार से ही प्रोग्राम के देखी और ऐसे ही अपन प्यार दुलार देत रही। राउर मेल पाके इतना बढ़े लागल कि हम बता ना सके नहीं। तो दर्शक लोग, रउआ सबसे भी हम निहोरा करतानी कि अपना दिल के अपना मन के बात बाहर निकाली और यहाँ तक पहुँचाई, यानी कि महुआ प्लस तक पहुँचाई। ओकर एगो माध्यम बा जोन ई बा भयल बिहान @gmail.com पे मेल करें और अपन विचार यहाँ तक पहुँचाएं। एकदम भैया, चाप के पहुँचाई या चाप के वहाँ से रहुआ अपना सेवा में पाई। हाँ। हमने के रोज के प्रयास बाटे और ये प्रयास में हमने के कौन हो कमी कसर ना छोड़े वाले बने, बसरते आप लोग जो इतना पवित्र बढ़िया दिल से बात निकाल के भेजे ली और हमने के हमेशा इंतजार में रहनी। यही तरह हमने के अब टाइम भी हो गए बा विदाई के, वैसे ब्याज चतुर्थी का पार्टनर। और अपना दर्शक लोग से कहा कि भाई अगर जी पूजा पाठ ना खेले बा तो जा माई के पूजा अर्चना करे और हमनियों के इजाजत देता कि हम जाके जल्दी से पूजा पाठ करें। अब जानते हो नहा के जल्दी जल्दी भागे नहीं कि विष्णु भैया होता ने सेवा सत्कार करे बा गनवा सुने बा, यही चलते पूजवा ना को पनिया। चलो तो पूजा पाठ करे भैया, आप लोग करी विदाई दी, कल फिर मुलाकात यही टाइम पे यही चैनल पे यही शो के साथ। तब तक खातिर जय माता दी, प्रणाम बाटे। प्रणाम बाटे। लेकिन हम जाना तो नहीं रउआ सबके मन बा उ गीत सुन के, जोने की जिक्र पहले रउआ कहनी है तो जाते जाते गीत सुना दी। मैंने जो वसीयत लिखी है मेरी मैया तक पहुंचा देना, जो वसीयत लिखी है मेरी मैया तक पहुंचा देना। मैंने जो वसीयत लिखी है मेरी मैया तक पहुंचा देना। एक एक अक्षर पढ़ कर भक्तों तुम माँ को मेरी सुना देना है। मैंने जो वसीयत लिखी है मेरी मैया तक पहुँचा देना। कर न सके ये हाथ उन्हें लगवा देना, जो
जो माँ की आरती कर न सके, ये हाथ उन्हें लगवा देना। एक एक अक्षर पढ़ कर भक्तों तुम माँ को मेरी सुना देना। मैंने जो वसीयत लिखी तक पहुंचा देना। से मेरी विदाई हो मेरे पास वैष्णो माई हो, जब जग से मेरी विदाई हो मेरे पास वैष्णो माई हो, जब अंतिम ज्योति जगाई हो इस बात की भी सुनवाई हो। मुझे दुर्गा मुझे दुर्गा कवच का पाठ किसी कंजक से तुम सुनवा देना। मुझे दुर्गा कवच का पाठ किसी कंजक से तुम सुनवा देना। एक एक अक्षर पढ़ कर भक्तों तुम माँ को मेरी सुना देना है। मैंने जो वसीयत लिखी है फिर मैया तक पहुँचा देना। मैंने जो वसीयत लिखी है मेरे मैया तक पहुंचा देना। वो मेरी मैया तक पहुंचा देना। मेरी मैया तक पहुंचा देना।